हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन मोड आप ऑन कर सकते हो। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा, आप कई वेबसाइट्स को विजिट कर रहे हो और आपको वहां दिखा आ रहा है वेबसाइट इज इन अंडर कंस्ट्रक्शन या वेबसाइट इट इज इन मेंटेनेंस मोड, ये आपने देखा होगा। ये कैसे आता है एक वर्डप्रेस वेबसाइट में, आप ये कैसे ला सकते हो, हम इस वीडियो में वही देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेना है डब्ल्यू पी एडमिन के थ्रू। डोमेन नेम /wp-admin, मैं लॉगिन हूं। तो सबसे पहले मुझे जाना है प्लगइन सेक्शन के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन करना है मुझे। ऐड न्यू प्लगइन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, मुझे एक प्लगइन को इंस्टॉल करना है जो कि है मेंटेनेंस के नाम से। मेंटेनेंस के नाम से कई सारे प्लगइन है, जो भी प्लगइन को हम यूज करेंगे वो हम इस वीडियो में देख सकते हैं। आप इसके अलावा और भी कोई प्लगइन को यूज कर सकते हो। ये देखिए, आपको मेंटेनेंस सिंपल सा आपको सर्च करना है। मे बी अभी नहीं मिल रहा है, मैं शायद मेंटेनेंस की स्पेलिंग गलत डाल रहा हूँ। मेंटेनेंस वर्डप्रेस प्लगइन, आप ऐसा भी सर्च करोगे। हाँ, मैं मेंटेनेंस की स्पेलिंग ही गलत डाल रहा था। ये देखिए, मैं इस मेंटेनेंस की स्पेलिंग को यहाँ पे डाल दूंगा। जैसे ही मैं ये डालता हूँ, आपको बहुत सारे यहाँ फेमस प्लगइन्स मिल जाएंगे। ये देखिए, फेमस प्लगइन्स हमारे सामने दुनिया भर के हैं। मैं जिसे यूज करता हूँ, मैं एक तो इसे यूज करता हूँ, मेंटेनेंस प्लगइन बाय वेब फैक्ट्री लिमिटेड, या मैं इसे भी यूज कर लेता हूँ। तो चलिए एक प्लगइन को इंस्टॉल करके मैं दिखा देता हूँ। प्रोसेस सब में सेम ही है, आप चाहे कुछ भी करो, बस थोड़ा डिजाइन का फर्क आ जाता है। मैं अभी इस वीडियो में आपको इस प्लगइन को यूज करके बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले करेंगे इंस्टॉल। अपडेट फेल हो रहा है तो एक बार करेंगे रिफ्रेश। ये थोड़ा क्लाउड पे दिक्कत कर रहा है, कोई इशू नहीं है। तो मैं इस प्लगइन को, मेंटेनेंस वाले प्लगइन को यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे फिर से मैं, ये हो गया मेरा इंस्टॉल हो गया। अब मैं करूंगा एक्टिवेट। जैसे ही मैं एक्टिवेट करूंगा, मेंटेनेंस वाला, मेंटेनेंस मोड वाला प्लगइन मेरे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाएगा। अब मुझे इसके सेटिंग्स टैब पे क्लिक करना है। ये देखिए, मेंटेनेंस मोड इंस्टॉल एंड एक्टिवेट हो चुका है। अब मुझे नीचे जाके आपको ये जो मेंटेनेंस वाला है, ये देखिए प्लगइन हमें देखना पड़ेगा कहाँ पे है प्लगइन। ये रहा प्लगइन, मेरा प्लगइन ये रहा। अब मैं इस पे सेटिंग्स टैब पे क्लिक करूंगा, मतलब प्लगइन्स के अंदर, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर सेटिंग्स टैब पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आपके सामने इस प्लगइन की सेटिंग्स खुल जाएगी। ये प्लगइन की सेटिंग्स जैसे ही आपको खुल जाएगी, आपको ये कुछ अपने प्रीमियम प्लान पिच कर रहा होगा, हमें इसको इग्नोर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। साइट इज इन अंडर गोइंग मेंटेनेंस, ये आपको दिखेगा वेबसाइट पे, और आपको ये जो भी नॉर्मल फुटर है ऐसा दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। डिजाइन ऑप्शन है, ये देखिए मैंने अब तक कुछ भी नहीं किया है। अब मैंने बस ऊपर ऑन और ऑफ है यहाँ पे, मतलब एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करके बता देता हूँ। प्लगइन्स सेक्शन के अंदर, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर आपको मेंटेनेंस के प्लगइन की सेटिंग पे जाना है। जैसे ही आप इस पे जाओगे, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, आपको सिंपल ऊपर से जाके ऑन या ऑफ कर देना। मैं जैसे ही इसे ऑन करता हूँ, सेव चेंजेस मैं इसे जैसे ही करता हूँ, मेरी साइट अब मेंटेनेंस मोड में चली गई है। मैं इसे अगर इनकॉग्निटो विंडो में ऑन करता हूँ, इनकॉग्निटो नहीं, मैं अगर इसे कोई दूसरे टैब में ओपन करता हूँ, अब देखिए वेबसाइट मेरी क्या दिख रही है। ये ना, मैंने डोमेन का नाम एंटर किया, देखते हैं वेबसाइट कैसे दिख रही है। ये देख सकते हो आपके सामने मेंटेनेंस मोड आ चुका है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मेरी वेबसाइट पे मेंटेनेंस मोड लग चुका है। अब जो बाकी के ऑप्शन है, आप ये जो ऑप्शन देख रहे हो नीचे, अपीयरेंस, आप इसका कैसा लुक एंड फील देना चाहते हो ये देख सकते हो। बाकी जो भी लुक एंड फील है, ये मेंटेनेंस के प्रीमियम फीचर्स में है। प्रीमियम आप जब इसका प्रो वर्जन लोगे तब है, लेकिन हमारा काम चल जाएगा, हमारा काम इससे भी चल जाएगा। या फिर आपको दूसरा मेंटेनेंस के नाम से प्लगइन देख सकते हो, उसमें भी सेम सेटिंग करनी है। बस आपको कुछ नहीं करना, ऊपर ऑन या ऑफ करना है। ऑन करोगे तो मेंटेनेंस मोड एक्टिवेट हो जाएगा और यूजर को क्या दिखेगा, ऐसा कुछ डिजाइन दिखेगा जो भी ये प्लगइन प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, ये टेक्स्ट आप कहां से चेंज कर सकते हो, ये टेक्स्ट आप यहां से चेंज कर सकते हो। ये देखिए, साइट इज अंडरगोइंग मेंटेनेंस, ये मेंटेनेंस मोड ऑन, ये जो भी है यहां के टेक्स्ट आप इसे करना चाहो चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे आप अपने वेबसाइट को मेंटेनेंस मोड में डाल सकते हो। आगे आने वाले वीडियो में हम कोई और ट्यूटोरियल के साथ मिलेंगे, जिसमें हम कोई, या तो कोई वर्डप्रेस का टॉपिक ले लेंगे, या फिर SEO का टॉपिक ले लेंगे, या फिर हम और अदर टॉपिक्स को ले लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम फिनिश करते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं।